चलो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक। रिकॉर्डिंग कर हाँ चलो ठीक, चल पढ़ा जाओ। दे। हेलो हेलो। हाँ ठीक है, आवाज लड़का जो बोल रहा है, आज हम आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे। एकम नगरम कथाचार पाठ है हमारा सेवन, और इसके अंतर्गत ये मथुरा नगर का वर्णन आता है इसमें। तो मथुरा नगर के विषय में एक सुंदर नगर उसे बताया गया है, तो आपको यहाँ पर मैं पाठ का अनुवाद करके बताऊंगा और उसके बाद उसके शब्दार्थ। इदम एकम सुंदरम नगरम, यह एक सुंदर नगर है। इदम मथुरा नगरम अस्ति, यह मथुरा नगर है। मथुरा नगर यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इदम यमुना तीरे स्थितम, कहाँ स्थित है यार? यमुना के तट पर स्थित है, यमुना तीरे स्थितम। मम पिता प्रतिदिनं स्नानाय यमुना नदीं गच्छति, मेरे पिता प्रतिदिन स्नान करने के लिए यमुना नदी जाते हैं। यमुना नदीं गच्छति, सा नित्यं मह्यां फलं आनयति, वह स्नान का फल प्रतिदिन मेरे लिए लाते हैं। कहने का मतलब पिताजी जो स्नान करते हैं वह फल मुझे भी प्राप्त होता है। मह्यम फलम आनयति। आगे है, पर्वावसरे बहवा जना अत्र आगच्छन्ति। पर्वावसरे पर्व के समय या त्योहार के समय, जब कोई त्योहार होता है हमारे हिंदू धर्म का, तो यहाँ पर बहुत से लोग यमुना नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, और बहुत से लोग चलते यहाँ पर आके स्नान करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पर है, पर्वावसरे बहवा जना अत्र आगच्छन्ति, ते स्नानाय अत्र आगच्छन्ति, वे सब यहाँ किस लिए आते हैं? स्नानाय माने स्नान करने के लिए। यमुना नदी में स्नान करना ही पुण्य कर्म माना गया है, क्योंकि यमुना गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू मणिकर्ण्या क्षिप्रा वेदवती महानदी जटा गया गंडकी, ये सब नदियां जो है बहुत ही पवित्र मानी गई है अपने देश की, और इनमें स्नान करना आदमी के लिए पुण्यकर होता है। इसलिए यहाँ पर लोग स्नान के लिए आते हैं यमुना नदी में। भ्रातृ द्वितीया दिवसे कार्तिक शुक्ल पक्षे जना यमुना जले स्नानं कुर्वन्ति। भ्रातृ द्वितीया माने भाई दूज होती है दीपावली के 2 दिन बाद, द्वितीया के दिन यहाँ पर लोग भ्रातृद्वितीया दिवसे मतलब उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष से, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जमुना जना यमुना जले स्नानम कुर्वन्ति। कोई लोग विशेष करके इसमें स्नान का फल होता है, तो लोग बहुत से लोग आकर के यमुना नदी में स्नान करते हैं। कुर्वन्ति तदनन्तरं ते नगरे भ्रमन्ति, और उसके बाद तदनन्तरं मने स्नान करने के बाद लोग यमुना नदी में स्नान करके जब लौटते हैं तो मथुरा
मथुरा नगर का भ्रमण करते हैं। मथुरा नगर में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से लेकर के अनेक मंदिरों के दर्शन करते हैं। नगरे भ्रमण की नगर में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि की मथुरा नगरी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। जन्मभूमि अस्ति श्री कृष्णा लोकोत्तरा महापुरुषा आदि। श्री कृष्णा भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण लोकोत्तरा इस संसार से जो है परे सबसे संसार के वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में से एक थे। लोकोत्तरा महापुरुषा आदि महान पुरुष थे, महापुरुष हैं और वो सर्वश्रेष्ठ थे पुरुषों में। सारा कालीन जन्म अभवत और उनका जन्म कहां हुआ था? जेल में हुआ था, कारागार में हुआ था। मथुरा का जो कारागार है वहीं पर उनका जन्म स्थान है। सारा कालीन सत्य जन्म अभवत देवकी सप्त माता पतिदेवा का पिता। देवकी उनकी माता थी और उनके पिता कौन थे? वसुदेव। वसुदेव उनके पिता थे। यहाँ पर देवकी सप्त माता वसुदेवा के पिता, उनकी माता देवकी है और पिता वसुदेव है। मथुरा नगरे श्री द्वारिकाधीश मंदिरम अस्ति। मथुरा नगर में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। इस तरह से बच्चों ये हमारे पाठ का अनुवाद हो गया। अब अनुवाद के बाद आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ में से जो मुख्य मुख्य हैं तो आप जानते ही हैं कि दम मनिया है, एकम माने एक, सुंदरम माने सुंदर, नगरम माने नगर शहर, फिर है एकदम मथुरा नगरम, यह मथुरा नगर है। यमुना तीरे माने यमुना के तट पर, यमुना के किनारे स्थितम माने स्थित है। फिर है पर्वावसरे, पर्व के समय, त्योहार के समय पर बहुवा जना, बहुवा माने बहुत से, जना माने लोग, माने बहुत से लोग। अत आगच्छति, अत माने यहाँ, आगच्छति माने आते हैं। ते स्नानाय, अत्र आगच्छति स्नानाय माने स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं। स्नानाय आगच्छति माने आते हैं। राष्ट्रपति माने भारत को पिया के दिन, आयुर्वेद के दिन। कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जना माने लोग यमुना जले, यमुना के पानी में स्नान कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। फिर है तदनंतरम, उसके बाद स्नान करने के बाद तदनंतरम ते माने वे, नगरे माने नगर, भ्रमंत माने घूमते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि अस्ति, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। श्री कृष्ण लोकोत्तरा, लोकोत्तरा माने सर्वश्रेष्ठ महापुरुषा महान पुरुष। आसीत माने थे, कारागारी माने जेल में, सत्य माने उनका जन्म अभवत माने जन्म हुआ, देवकी सत्य माता, सत्य माने उनकी माता देवकी थी, बलदेव का पिता और बलदेव पिता है। फिर इसके बाद आगे है
मथुरा नगरे श्री द्वारकाधीश मंदिर अस्ति। मथुरा नगर में द्वारकाधीश मंदिर है, अस्ति माने है। ये आपका क्या हो गया, हिंदी में अनुवाद हो गया और उसके शब्दार्थ हो गए। अब आपको यहाँ पर कुछ अनुवाद दिए गए हैं। मथुरा सुंदर नगर है, इसको संस्कृत में लिखना है। पहले कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिस प्रश्न में बता देता हूँ। मथुरा कस्यापि अस्ति, मथुरा नगरी किसके किनारे है? मथुरा कस्यापि अस्ति, मथुरा यमुना तीरे अस्ति, मथुरा यमुना के किनारे पर है। दूसरा प्रश्न है बा नंबर, फलम का आने थी, फलम कौन लाता है? नित्यम फलम आने थी सामने, और उनके पिता या सत्य पिता फलम आने थी। जो बालक है उसके पिता भी फल प्राप्त करते हैं, लाते हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा श्री कृष्ण से जन्मभूमि, मथुरा किसकी जन्मभूमि है? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। फिर है श्री कृष्ण माता का, श्री कृष्ण की माता कौन कौन है? तो श्री कृष्ण माता देवकी अस्ति, श्री कृष्ण की माता देवकी है। का प्रश्न पिता, उनके पिता कौन है? तो उनके पिता कौन है? वसुदेवा प्रश्न पिता, उनके पिता वसुदेव हैं। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर आगे है, मथुरा सुंदर नगर है, जिसका मैं संस्कृत में अनुवाद लिख देता हूँ। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा नंबर संस्कृत में हिंदी में संस्कृत बनाना है। मथुरा सुंदर नगर है, इसका हो जाएगा मथुरा सुंदरम नगरम अस्ति। मथुरा सुंदर नगर है। फिर है हा नंबर, हा नंबर है मैं स्नान करने जाता है, वह स्नान करने जाता है, स्नान गच्छति। अगला है नंबर, लोग
मथुरा आते हैं। लोग मथुरा आते हैं। बराबर हो जाएगा जनाब मथुरा आगच्छति। लोग मथुरा आते हैं। फिर है धन पर मथुरा में द्वारका भी मंदिर है। मथुरा में द्वारका द्वारका भी मंदिर है। तो हो जाएगा इसका बराबर मथुरा या मथुरायाम द्वारका भी मंदिरम अस्ति। मथुरायां द्वारकाधीश मंदिरम अस्ति। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है। फिर है बच्चों हिंदी में वाक्यांशों का हिंदी में अर्थ लिखो। हिंदी में अर्थ लिखना है तो हिंदी में अर्थ लिखने के लिए उसमें है आगे दिया गया है बहुत सारे सीधे सीधे छोटे छोटे लाइनों के अर्थ हैं। नगरे भ्रमंती नगर में घूमते हैं। नगरे भ्रमंती नगर में घूमते हैं। खा नंबर है कृष्णस्य जन्मभूमि कृष्ण की बराबर इसका हो जाएगा। हिंदी में बताना है
कृष्ण की जन्मभूमि यमुना नदी में गच्छति, यमुना नदी में यमुना नदी जाते हैं, फिर अत्र आगच्छति, अत्र माने यहाँ, आगच्छति माने आते हैं, अत्र आगच्छति जन्म अभवत, जन्म हुआ, फिर वह वह जना बहुत से लोग, ठीक, वह वह जना माने बहुत से लोग। अब आगे इसमें विभक्ति दी गई है, कुछ विभक्तियों को मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे तीरे, ये चौथा प्रश्न है, विभक्ति बताइए, विभक्ति बताइए में है, जैसे तीरे, तीरे बराबर हो जाएगा, तीरे की विभक्ति है सप्तमी, सप्तमी स्नान आए, स्ना नाय, स्ना नाय की विभक्ति है चतुर्थी, चतुर्थी फिर है मह्यम, मह्यम में है चतुर्थी, मह्यम में चतुर्थी, और फिर है मम, मम में है षष्ठी, षष्ठी मम के बाद कृष्णाक्ष, षष्ठी जना प्रथमा, इस तरह से बच्चों ये विभक्तियां हो गई, विभक्ति कुछ दी गई है। अब है यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थानों में आपको लिखना है द्वारिकाधीश और आगे लिख देना है मंदिरम,
एक शब्द भरना है मंदिरम, तो यहां पर और स्नानम कुर्वन्ति, तस्य पिता शुक्ल पक्षे बहवा जना यमुना नदीम गच्छति और महापुरुषा आसीत मम पिता। ये बच्चों हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। एक बात ये की जाए तो बताओ तू ये इन मीटिंग ठीक है इन मीटिंग में हाँ इन मीटिंग आल ऊपर लिख दिया।